अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाना सीखेंगे चॉकलेट ब्राउनीज़। बहुत इजी रेसिपी है, इस रेसिपी से कोई भी घर में आराम से ब्राउनीज़ बना सकता है और अपने मेहमानों को और अपने बच्चों को घर में बनाकर दे सकता है। ये इजीली आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं या बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। स्कूल में बहुत ज़्यादा बच्चों के लंच के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है आजकल, तो उसके लिए बेहतर है कि आप घर में होममेड ब्राउनीज़ बनाकर दें बच्चों को। और केक बनाना भी बिल्कुल बहुत आसान है, इसी रेसिपी से हम केक भी बना सकते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे कि ब्राउनीज़ को हम घर में बच्चों को बनाकर कैसे दें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक स्मॉल कप, हमें मैदा लेना है। ये वाला जो साइज़ है कप का, ये बेहतरीन साइज़ है। इस कप में जितना आपको नज़र आ रहा है जितना मिल्क है, इससे थोड़ा ऊपर मैंने सिर्फ मैदा लिया है। ये मैदा लेना है आपने इतना। और उसके बाद हमने ग्राउंडेड शुगर ली है, आइसिंग शुगर जिसको बोलते हैं। ये बाज़ार में भी आराम से अवेलेबल है, लेकिन बेहतर यही है, इजी यही है कि आप घर में इसको ग्राइंड करें, क्योंकि बाहर से जब आप लेंगे तो वो बहुत कॉस्टली होगी। हमने 1 कप ही शुगर ली है, उसको ग्राइंड किया है। उसके बाद हमें चाहिए कोको पाउडर। कोको पाउडर बहुत ईजीली अवेलेबल है मार्केट में। लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है कि ये ब्राउन कलर जो है वो ब्राउनीज़ में कैसे आ जाता है, तो इसके लिए बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, कोई भी कंपनी का ले सकते हैं कोको पाउडर। 3 चम्मच हमने 3 टेबलस्पून हमने कोको पाउडर के लिए हैं। 1 पिंच और 2 हमने सिर्फ बेकिंग सोडा लिया है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा इसको कह सकते हैं। बेकिंग पाउडर हमने सिर्फ 1 पिंच लिया है। वनीला एसेंस हम यूज़ करेंगे, वो भी 1/4 टीस्पून हम यूज़ करने वाले हैं, इससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम इससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इसका बहुत बिटर टेस्ट आता है, जो कि अच्छा नहीं लगता। हमने ये एडिशनल है, अगर आप डालना चाहें तो ये चॉकलेट है, मेल्टेड चॉकलेट, मेल्ट इसको हम करेंगे। ये मिल्की चॉकलेट है, जिसमें जो बिटर टेस्ट वाली नहीं है, ये हम ये वाली यूज़ करेंगे। 2 हमने एग यूज़ करने हैं, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, आपकी ब्राउनीज़ बहुत सॉफ्ट बनेगी इन 2 एग से। 1/2 कप हमने ऑयल का लिया है, कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। अगर ऑयल नहीं है तो आप घी भी ले सकते हैं, घी नहीं है या घर में अगर बटर मौजूद है तो बटर भी ले सकते हैं। बटर छोटा जो बहुत स्मॉल 50 ग्राम का जो बटर है वो भी आप ले सकते हैं। और 1/2 ही कप हमने मिल्क लिया है, इसको हमने चॉकलेट के साथ ऐड करके, चॉकलेट को हमने दूध में मिक्स करने के बाद, मेल्ट करने के बाद हमने इस्तेमाल कर लिया। अब नाज़रीन, अब हम शुरू करते हैं कि हमने इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले कोशिश करें कि आप वो चीज़ें लें जो ड्राई आइटम्स हैं। मैदे को आपने छान लेना है, अगर आप छानेंगे नहीं तो इनमें अक्सर ऐसा होता है कि अगर ज़्यादा दिन रखा हुआ है आपने तो वो उसमें चूंटियाँ या कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो उनको छान लेना ज़्यादा बेहतर है। हम पहले ड्राई चीज़ें सारी ऐड करेंगे। ये मैदा हमने, मैदे के साथ हमने ग्राउंडेड शुगर और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर हम इसे कहेंगे, बेकिंग पाउडर हमने ऐड किया है, ग्राउंडेड शुगर ऐड की है, और अब हम ऐड करने जा रहे हैं कोको पाउडर। इसको आपने ऐसे मिक्स करना है कि कोई भी लम्स इसमें ना रहे। ये देखिए नाज़रीन, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें वो तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड अप करते जाएंगे जो हमने ऐड करने हैं। सबसे पहले हम एग्स लेंगे, तो
इसको अब बीट करेंगे। ये हम तमाम काम विदाउट एनी मशीन, विदाउट यूजेज ऑफ एनी मशीन हम करने लगे हैं, क्योंकि बेहतर होता है कि आप इसको फोक से बीट करें, या अगर आपके पास विस्क है तो उससे आप इसको बीट करें। जितना आप इसको बीट करेंगे आपकी ब्राउनीज उतनी ही सॉफ्ट बनेगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल जो कि हमने पहले से लेके रखा हुआ है। इस तरह आप बीट करेंगे कि इसमें कोई लम्स ना रहे। नाज़रीन, अगर आपके पास घर में कुकिंग रेंज नहीं है तो ये आराम से आपके घर में जो ओवन हम यूज़ करते हैं सिंपल वाला, वो उस ओवन में हम इसको बेक करने लगे हैं आज, क्योंकि ओवन हर किसी के घर में होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि बेक करने के लिए आपके पास माइक्रोवेव ओवन है तो बहुत है, लेकिन अगर आपके पास जिसमें जो कुकिंग रेंज होता है उसमें भी आप बना सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन आज हम जो बिल्कुल सॉफ्ट टेक्सचर इसका आएगा वो हम माइक्रोवेव ओवन में बनाने वाले हैं। इसमें वन पिंच वन नाज़रीन हम इसमें वेनिला एसेंस हम डालने लगे हैं, और ये हमने बहुत ही थोड़ा डालना है। मैंने सिर्फ इसके दो तीन ड्रॉप्स लिए हैं, या आप देख सकते हैं सिर्फ मैंने दो तीन ड्रॉप्स लिए हैं, क्योंकि इसका ज़्यादा जो फ्लेवर आ जाता है ब्राउनीज में वो अच्छा नहीं होता है। अब जो हमने दूध हमने यहाँ पर पहले मैंने आपको बताया था कि हमने दूध और चॉकलेट हमने इसका बिल्कुल एक इतना हमने पीस, जितना मैं आपको इशारे से बता रही हूँ इतना हमने चॉकलेट का एक पीस लिया है। ये एडिशनल है अगर आप डालना चाहें तो, लेकिन इससे बहुत अच्छी ब्राउनी में जो फ्लेवर आ जाता है वो बहुत अच्छा रहता है और बहुत सॉफ्ट ब्राउनीज बनती है। इसके लिए आपको कोई सीरप डालने की ऊपर से ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी हम सीरप इसमें ऐड करने लगे हैं। ये मैंने दूध के अंदर चॉकलेट को मेल्ट किया है। चॉकलेट आसानी से अवेलेबल है मार्केट में, आप कैडबरी चॉकलेट भी ले सकते हैं, कोई सी भी चॉकलेट आप ले सकते हैं मार्केट से। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा बंच चॉकलेट का लें, आप 30 रुपीज़ की कैडबरी चॉकलेट मिल जाती है इसीलिए आप उसको पीसेस करके और चॉकलेट के दूध के साथ मेल्ट कर दीजिए। ये हम अब इसमें ऐड करने लगे हैं।
बिल्कुल इसी तरह से अगर आप अपना फोक या कोई भी विस्क अगर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप इसी तरह से यूज़ करेंगे तो इसमें कोई लम्स भी बाकी नहीं रहेगा और बहुत अच्छा और स्मूथ बैटर बन जाएगा। देखिए नाज़रीन, बहुत ही स्मूथ बैटर तैयार हो चुका है। नाज़रीन, ये हमारी ब्राउनीज़ बनकर तैयार हो चुकी हैं बिल्कुल। इसको हमने 7 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव ओवन में बेक किया था, उसके बाद हमने स्पैचुला की मदद से इसको प्लेट में सर्व करने के लिए निकाल लिया है। अब हम इसमें ये बीट्स टॉपिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था कि इसमें मज़ीद कोई और सिरप ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ही इसमें काफ़ी चॉकलेट मिल्क ऐड किया है। तो हमें ज़्यादा इसको, अगर आप चाहते हैं कि आप सिरप इसके ऊपर से पॉर करें और उसको खाएं, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसका भी बहुत आसान तरीका है। आपने ¼ कप मिल्क लेना है और उसमें जितनी ये चॉकलेट मैंने आपको बताया था हमने यूज़ की है ब्राउनीज़ में, आप जितनी ब्राउनीज़ में हमने इतनी हमने यूज़ की है ब्राउनीज़ के अंदर, तो आप कोशिश कीजिए कि आप इतनी या 2 कैडबरी चॉकलेट्स यूज़ कर लें। आप 30 रुपीज़ की जो होती है या 50 रुपीज़ वाली 2 कैडबरी चॉकलेट आप यूज़ करके उसको मेल्ट कीजिए मिल्क में और उसको, उसका एक थिक सा सिरप बन जाएगा, उसको आप इसके ऊपर पॉर कर दीजिए। लेकिन हमने इसमें ऑलरेडी डाला हुआ है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम बीट्स ये यूज़ करने वाले हैं क्योंकि बच्चों को ये बीट्स बहुत पसंद है, इसीलिए मैं हमेशा ये अपने पास रखती हूँ। उनकी यही फरमाइश होती है कि हमें बीट्स वाली ब्राउनीज़ चाहिए। तो आप हसबे ज़रूरत अपनी ब्राउनीज़ को ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं। किसी भी इवेंट पे आप ये ब्राउनीज़ यूज़ कर सकते हैं, बर्थडे हो गई या किसी डिनर के लिए आपने कोई मीठा डेजर्ट बनाना है, तो कोई भी डेजर्ट बनाने के लिए ब्राउनीज़ इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसके अलावा अगर जितनी मार्केट में और भी बहुत से बीट्स इसी तरह के मिलते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों को। एक तो अट्रैक्टिव होते हैं काफ़ी, जिसकी वजह से बच्चों में खाने का जो मज़ा है और खाने का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाती है और वो बच्चे आराम से इसको खा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर मूवी पसंद आए, आपको ये वीडियो पसंद आए, तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने घर में इस ब्राउनीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, देखिए बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और सॉफ्ट हमारी ब्राउनीज़ है। ये अब सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। थैंक यू नाज़रीन, अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।